बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसी है मेरी YouTube फैमिली, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत के साथ होंगे। और दुआएं मेरी अल्लाह ताला से कि अल्लाह ताला सबको अपने घरों में शादो आबाद रखे, खुश रखे, अपने बच्चों के साथ, अपने बड़ों के साथ अल्लाह ताला सबको अपने हिफ्ज़ अमान में रखे। आमीन आमीन। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। और आज मैं लेकर आई हूँ कढ़ाई, मिट्टी की कढ़ाई यानी क्ले पॉट जिसको कहते हैं। तो मैंने सोचा अपनी YouTube फैमिली के साथ भी शेयर करूँ और ये भी आपके साथ शेयर करूँ कि फ़र्स्ट टाइम जो है वो आप इस मिट्टी की कढ़ाई को या मिट्टी की हांडी को कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं ताकि ये लॉन्ग लाइफ चले। और वरना अक्सर ऐसा होता है कि जैसे ही हम इसको आग के ऊपर रखते हैं तो ये फट जाती है या लीक हो जाती है। तो मैं आज आपके साथ वो तमाम टिप्स और ट्रिक्स शेयर करूंगी। तो वीडियो में मेरे साथ आखिर तक ही रहिएगा क्योंकि वीडियो बहुत ही मज़े की होने वाली है। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो जनाब, मैंने ली है ये मिट्टी की एक फुल साइज़ की कढ़ाई जो कि तकरीबन 3 kg के चावल जो है वो बना सकती है। इस पतीले में हम बना सकते हैं कि जैसे मुझे वो जो शॉप जहाँ से मैंने ली है उन्होंने मुझे बोला, ये माशाल्लाह बहुत ही हेवी है, बहुत भारी है। तो मैं आपको बताऊँगी कि किस तरह से हम इस पतीली में जो है वो अपनी चीज़ें बना सकते हैं, उसको लॉन्ग लाइफ कर सकते हैं। तो ये देखें माशाल्लाह इतनी ये भारी है कि इसको उठाने में मुझे मसला हो रहा है। तो जब इसमें हम चावल बनाएंगे तो ये और ज़्यादा भारी होगी। तो जब भी आप मिट्टी की कढ़ाई को, पतीली को, जो भी आपके पास हांडी हो, चाहे कढ़ाई हो, चाहे पतीली हो, जब भी आप इसको आग के ऊपर रखें या गैस के ऊपर रखें तो डायरेक्ट इसको रखें, पहले गैस मत जलाइएगा और डायरेक्ट उसको यूं करके गैस पर आपने नहीं रखना। सबसे पहले हमने इसमें तेल डाल देना है या ऑयल या घी, जो भी आप यूज़ करते हैं आपने इसमें वो डाल के फिर प्याज या जिस चीज़ का भी तड़का लगा रहे हैं आपने वो डालना है। देन उसके बाद आपने इसको जो है वो चूल्हे के ऊपर रखना है। खाली मिट्टी की कढ़ाई को या हांडी को आपने डायरेक्ट चूल्हे के ऊपर ऐसे नहीं रखना वरना ये फट जाएगी, पहली ट्रिक। दूसरी ट्रिक ये कि जब हम इसमें कुछ भी बनाते हैं जैसे लाइक सालन हो, साग हो या चावल हो, तो क्योंकि ये बहुत भारी है, अभी भी खाली पतीली है या खाली कढ़ाई है लेकिन बहुत भारी है, तो जब हम इसमें कुछ डाल के पकाएंगे तो ज़ाहिर है डेफिनेटली ये बहुत भारी हो जाएगी। तो डायरेक्ट अगर हम इसको चूल्हे से उतार के हमने किसी भी फ्लोर पे रख दिया, स्लिप पे रख दिया या किसी भी जगह रख दिया तो टेम्परेचर इसका अप एंड डाउन हो जाएगा जिसकी वजह से ये क्रैक होने का इसका ज़्यादा डर है। तो जब भी आप इसको चूल्हे से उतारें तो आपने सबसे पहले जो है इस तरह का जो ये स्टैंड होता है ये स्टैंड आपने रखना है और स्टैंड के ऊपर आपने अपनी कढ़ाई को ध्यान से जो है वो इस तरह से रख लेना है क्योंकि उस वक्त ये बहुत भारी होगी, इसके अंदर जो है वो आपका खाना या चावल होंगे। तो ये एक दो चीज़ें थी जो मैंने सोचा आपके साथ मैं शेयर करूं। अब क्योंकि ये कढ़ाई मैं आज न्यू लेकर आई हूं, अभी मैंने इसके अंदर कुछ भी नहीं बनाया, तो सोचा कि जो टिप्स और ट्रिक मैं इसके साथ यूज़ करने लगी वो आपके साथ भी शेयर करूं। तो सबसे पहले हमने करना क्या है कि अभी मैंने इसको धोया नहीं है, सिर्फ मैंने इसको कपड़ा मारा है ताकि, क्योंकि इसके अंदर मिट्टी थी, ताकि वो मिट्टी निकल जाए। तो अब हमने करना क्या है कि सबसे पहले इसके अंदर हम लगाएंगे ऑयल। तो ये मेरे पास है ऑयल और ये नॉर्मल जो हमारा घर का कुकिंग ऑयल है वो है, आप मस्टर्ड ऑयल भी डाल सकते हैं यानी सरसों का तेल। तो ये मेरे पास ऑयल है और इस ऑयल से मैं इसको अच्छे से जो है वो ग्रीस करूँगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। और आपने फिंगर्स की मदद से या ब्रश की मदद से या रुई कॉटन लेके आपने उसको अच्छे से जो है इसके अंदर भर के ऑयल लगाना है क्योंकि ये मिट्टी से बनी हुई होती है और इसके अंदर बारीक बारीक से होल होते हैं ताकि वो होल जो है वो अच्छे से भर जाए। क्योंकि अक्सर लोगों को ये शिकायत होती है कि जब इसमें मिट्टी की हांडी में वो कुछ पकाते हैं तो वो तेल जो है वो जज़ब कर लेती है, तो वो इसीलिए होता है क्योंकि ये बिल्कुल प्यासी होती है, खाली होती है, तो इसीलिए तेल जो है ये जज़ब कर लेती है। तो अब मैं इसको अच्छे से जो है चारों तरफ से मैंने इसको ऑयल लगा लेना है और अगर आपको लगे कि ये ऑयल जो है वो जज़ब कर रही है तो दोबारा से फिर से उसके अंदर ऑयल लें और आपने इसको अच्छे से ऑयल फुल लगा लेना। जैसे देखिए यहाँ मैंने ऑयल लगा लिया था लेकिन ये फिर से ड्राई ड्राई मुझे लग रहा है तो मैंने इसके अंदर फिर से ऑयल जो है वो लगा रही हूँ। अब मैं चारों तरफ से इसको ऑयल लगा लेती हूँ, थोड़ा सा मैंने इसके अंदर ही डाल दिया ताकि फुल इसको ऑयल में मैं घुमा सकूँ।
अल्हम्दुलिल्लाह मैंने अच्छे से कढ़ाई को जो है वो ऑयल लगा लिया फुल, और ये अंदर से दोबारा से ये मुझे ड्राई ड्राई लग रही थी तो फिर मैंने अंदर से फिर से एक दफ़ा ऑयल लगा दिया। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये देखें फुल मैंने इसको ऑयल लगा दिया, ये लग गया। अच्छा दूसरी साइड पे ये इसका कैप है, तो कैप को भी हम ऑयल लगा देंगे क्योंकि ज़ाहिर है जब हम हांडी को रखेंगे गैस के ऊपर तो कैप भी उसके ऊपर रखेंगे, तो उसकी वजह से ऐसा ना हो कि ये हमारा कैप जो है ये चटक जाए। तो अब कैप को भी ये देखिए कैप भी माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत बना हुआ है, और अब कैप को भी इसी तरह से चारों तरफ से ऑयल लगा देंगे। अच्छा मिट्टी के हांडी में या पतीली में कभी भी जो है वो स्टील का चम्मच मत यूज़ कीजिएगा, इसमें हमेशा जो हमारी लकड़ी की डोइयाँ होती हैं या लकड़ी का चम्मच होता है वो यूज़ कीजिएगा, कभी भी इसमें स्टील का चम्मच मत यूज़ कीजिएगा। अल्हम्दुलिल्लाह हमने हांडी को फुल तेल लगा दिया और इसको इसी स्टैंड पे मैंने छोड़ दिया। अब ये पूरी रात इसी तरह मैं छोड़ दूंगी इसी ऑयल के साथ, और इंशाल्लाह इस वीडियो का नेक्स्ट जो क्लिप है वो आपको मैं सुबह दिखाऊंगी, क्योंकि ज़ाहिर है अभी ऑयल लगा के रख दिया, ये पूरी रात इसी तरह ऑयल में रहेगी। कल इंशाल्लाह इसको जो है हम पानी में डिप करेंगे, तो जो है मैं आपको वो भी बताऊंगी, मेरे साथ रहिएगा वीडियो में ताकि मैं आपको बता सकूं कि हांडी को हम कैसे लॉन्ग लाइफ चलाएंगे। तो अभी मैं रख देती हूँ इसको पूरी रात इसी तरह, और ये चम्मच मैं आपको दिखा रही हूँ कि मिट्टी की हांडी में इस तरह की जो डोई होती है लकड़ी वाली वो यूज़ की जाती है, कभी भी जो है वो स्टील का चम्मच और या प्लास्टिक कभी वैसे भी यूज़ नहीं करना चाहिए, तो इस तरह की चीज़ें यूज़ नहीं करनी चाहिए। तो मिलते हैं इंशाल्लाह सुबह आपसे। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे मिट्टी की कढ़ाई को मैंने पानी में भिगो के रख दिया था, और अब शाम होने वाली है, तकरीबन मगरिब का टाइम होने वाला है, धूप जो है वो ढलने वाली है। तो अब मैं ये निकाल लेती हूँ मिट्टी की कढ़ाई, और ये देखें अच्छी तरह से पानी भी इसने सोख कर लिया, मैंने इसको इसी तरह सहन में ही छोड़ दिया था। अल्हम्दुलिल्लाह ये देखें, बस अब इसको निकाल के मैं अच्छे से वॉश कर लेती हूँ, और वॉश करने के बाद सबसे पहले इसमें मैं दूध पकाऊंगी, उसके बाद फिर आप इसमें कुछ भी बना सकते हैं, फिर ये रेडी हो जाएगी आपके हर किस्म की कुकिंग के लिए। तो या तो इसमें आप दूध को उबाल लें या फिर चावल उबाल लें, और बस आपकी जो है मिट्टी की कढ़ाई रेडी हो जाएगी। तो मैं उम्मीद करती हूँ मेरी आज की जो वीडियो है जिसमें मैंने आपको मिट्टी की कढ़ाई या मिट्टी का बर्तन यूज़ करने का मुकम्मल तरीका बताया है कि किस तरह से इसको वॉश करना है, किस तरह से हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं और लॉन्ग लाइफ इसको यूज़ कर सकते हैं, आपको अच्छी लगी होगी ये वीडियो। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और मज़ीद किसी भी किस्म की अगर आपको कोई परेशानी हो या पूछना हो तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। इसी दुआ के साथ आप लोगों से इजाज़त चाहती हूँ कि अल्लाह ताला सबकी रोज़ी रिज़िक में बरकत डाले, मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।